संचार बंदी लागू होने से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें महत्व के काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे में उस परिसर के पुलिस थाने से लोगों को परमिशन लेटर दिए जा रहे हैं। जब से कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारे हैं, तब से लेकर अब तक हर कोई दहशत में और परेशान दिखाई दे रहा है। इस दौरान शहर में कोरोना वायरस को लेकर संचार बंदी भी लागू की गई है, जिसके कारण लोग घर में ही बैठे हैं। ऐसे में जिन्हें महत्व के कामकाज करना है, उन्हें उस परिसर के पुलिस थानों की परमिशन लेना अति आवश्यक है। परमिशन लेटर के लिए अजनी थाने में लोग दिखाई दिए। अजनी थाने में एक पुलिस वाला अपने हाथों से लोगों के आवेदन चेक कर रहा था। इस परमिशन लेटर के बारे में अजनी के पुलिस निरीक्षक खांडेकर ने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी। टुकड़े जी पुतले चौक पे इस समय इनबीसीएन की टीम है। हम आपको बता सकते हैं कि देखिए, इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पे आते जाते हुए नजर आ रहा है। जहाँ संचार बंदी लागू हो चुकी है, इसका अमल भी होने जा रहा है। कुछ ऐसे लोग है, तमाशबीन लोग, जो सिर्फ बाहर निकल के ये देखना चाहते कि क्या चल रहा है चौक में, पुलिस आखिरकार क्यों इन पे लाठी भांज रही है। इसका काम यही है, देखिए कि पुलिस की गाड़ी और मोबाइल वैन जो दिखाई दे रही है, वो लोगों को अलर्ट करते हुए और उनको प्रिकॉशन देते हुए नजर आ रही है। तो वही इस प्रकार के लोग अपना कार्ड भी बता रहे, जो कामकाज वाले लोग है कि हमें काम में जाना है। इस प्रकार के इस समय में हमारे साथ में ट्रैफिक के पुलिस निरीक्षक खांडेकर जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। उससे पहले हम थोड़ा और एक बार आपको बता देते कि देखिए कैसे चार पहिया वाहन इधर से उधर आ जा रही है। ये वही टुकड़ी जी पुतला चौक है। अब हम उन लोगों के लिए बात करना चाहते हैं जिसको पुलिस ने कुछ कागजात देने वाले परमिशन के, आइए वो आखिर क्या है वाकया, उससे जानना चाहेंगे। खांडेकर साहब इस समय हमारे साथ में, मुझे खांडेकर जी ये बताइए, जिस तरह से आज पुलिस थाने में बहुत लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा नजर आई, तो कौन सा काम के लिए नजर आई थी? बहुत भीड़ तो नजर नहीं आई, लेकिन लोगों के मन में संभ्रम था, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो गई थी। फिर उनको समझाए, जो डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, बैंक में काम करते हैं, जिनको आई कार्ड मिले हैं उनको पास की जरूरत नहीं है, उनका आई कार्ड बताए तो भी उनको जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे वरिष्ठों यानी सीपी साहब ने आदेश दिया है। पास की जरूरत जिसे है कि जिसको पेशेंट लेके जाना है, ये तो उसके लिए वो एप्लीकेशन करके वो लेके जा सकता है। फिर किसी को यहाँ से दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है, इमरजेंसी है, तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो पास दे रहे हैं, ऐसा परमानेंट पास नहीं दे रहे हैं। यानी आज दिन में दो घंटे काम है तो वो सिर्फ दो घंटे का पास बना के दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पास जो बना के दे रहे हैं, इसका एक समय होगा? बराबर है, वो पास पे डेट और टाइमिंग लिखा हुआ है, 11 बजे से 2 बजे तक, 2 घंटे का, 3 घंटे का जो है। खंडेकर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उसी परिसर के, जैसे अजनी थाने की बात है, तो अजनी परिसर के लोग ही अजनी थाने से ले सकते हैं, अन्य लोग भी ले सकते हैं कहीं थाने से? नहीं नहीं, जो जहाँ रहते हैं उन्होंने वहाँ से लेना चाहिए। मेरे अजनी थाने में रहते हैं, उनको बाहर जाना है तो भी पास की जरूरत रहेगी, और मेरे एरिया में भी अगर उनको कहीं घूमना है यानी जाना है उनको, तो उनको भी पास लगेंगे। और हमारा तो सब जनता से अपील है कि पुलिस को सहकार्य करो, जो शासन ने जो संचार बंदी लागू की है उसको कोऑपरेट करके कोरोना को अपना जो बीमारी फैल रही है वो फैलने नहीं चाहिए, इसके लिए सबने मिलकर ये करना चाहिए। तो आप थे अजनी के पुलिस निरीक्षक संतोष खांडेकर जी, जिन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर किसी को बाहर भी जाना है तो अजनी थाने से उन्हें परमिशन लेने होगी, बशर्ते वो जो व्यक्ति जिसे ये परमिशन चाहिए वो उसी परिसर में यानी अजनी के अंतर्गत आने वाला जो परिसर है उसी में वो रहने वाला हो, चाहे फिर अजनी नहीं, अगर हुड़केश्वर का कोई रहने वाला है तो हुड़केश्वर से ले सकता है, गिट्टी खदान में या सदर में कोई हो तो वो अपने पुलिस थानों से इस प्रकार का सम्मति पत्र जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं और आना जाना वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो संचार बंदी जो लगी है उसका पालन करना भी अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, लोग अपने घर से इतने वाहन पे निकले, क्या वजह है? भाई साहब कहाँ जा रहे हो? दवाखाना जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? दवाखाना। अक्सर आए दिन कोई ना कोई कहता है दवाखाना जा रहा है, कोई कहता कि मैं किराना दुकान जा रहा हूँ। लोग कारण लोग बहुत देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिजूल की बातें भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए, लोग सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे, एक बड़ी दुख की बात है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जहाँ प्यार से बात कोई मानता नहीं तो फिर डंडा चला के भी बात करती थी, उन्हें उठा बैठक भी पुलिस द्वारा की गई है। और जिस प्रकार से ये सम्मति पत्र के बारे में काफी अच्छी जानकारी संतोष खांडेकर जो कि अजनी के पीआई उन्होंने दी है। नागपुर के तुकड़ी पुतला चौक से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।
जैसे कि खांडेकर साहब ने बताया उसी प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं कि अजीरी के इस थाने में इस परिसर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए उनको एक परमिशन का एक लेटर दिया जा रहा है। इस प्रकार का लेटर है, थोड़ा लेटर खोल के बताइए आप। आधार कार्ड बताने के बाद में सब ने आधार कार्ड बताया और ये देखिए ये जो लेटर है इस प्रकार का ये लेटर है और इस लेटर के आधार पे ये लोग कहीं आ सकते हैं जा सकते हैं इस प्रकार का। सर आप बताइए आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो आपको क्या ज़रूरत है इस लेटर की? मैंने पेपर में पढ़ा था कि कुछ कहीं बाहर जाना है, संचार बंदी लागू हो गई रात को 12 बजे से, तो आपको कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन यहाँ पता चला कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए आपका आई कार्ड अगर है आपके पास तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये अभी बताया गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग अंदर जाके स्टैंप ले आ रहे हैं और यही अजीनी पुलिस थाना है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगे। मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप जरूर सम्मति पत्र लीजिए मगर थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, काफ़ी नज़दीक नज़दीक लोग खड़े। आप क्या कहना चाहोगे? अभी देखो कैसा है कि यहाँ पे परमिशंस अवेलेबल करा दिए है, जिस किसी को बाहर जाना है म्हणजे ज्यांना कोणाला बाहेर जायचं आहे तर ते लोकसुद्धा बाहेर जाऊ शकतात, पण परमिशन त्यांना आवश्यक आहे कारण इथून साहेबांची सिग्नेचर घेऊन आणखी गाड्या पुष्कळ अडवण्यात येऊन राहिलेल्या आहेत, आणखी नाकेबंदी प्रत्येक जागी आहे, नाक्याच्या बाहेर जायचं आहे आपल्याला तर हे परमिशन लेटर आवश्यक आहे। आप ये बताए की बिलावजह लोग बाहेर निकल रहे हैं, संचारबंदी लागू है, आप क्या कहना चाहोगे? ये कैसा है अभी ये बराबर बात नहीं है, अभी सभी को जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने जो बताया है तो वो हिसाब से सभी को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोरोना का जितना अपन बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा फैलेगा ऐसा उनका कहना है, सभी डॉक्टर लोगों का कहना है, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, आवश्यक जो काम है वो करना चाहिए और आवश्यक काम के अनुसार ही बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल तो सही बात है, इन्होंने फरमाया कि अगर आवश्यक है तो भी बाहर जाना चाहिए, मगर अब जो दिखाई देता है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो खासतौर पर यह दिखाई देता है कि लोग काम नहीं होने के बावजूद भी बाहर निकल के एक तमाशबीन जैसे आ रहे हैं, जिन्हें काम है उनके तो बात उनका कोई बात नहीं मगर जिन्हें सही में काम नहीं है वो लोग ऐसे तमाशबीन बन के कुछ तो चकलस के तौर पे लोग निकल रहे हैं और ऐसे लोगों को भी पुलिस का डंडा भी खाना पड़ रहा है। नागपुर के अजली पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।